और दोस्तों आज देखा जाए तो आज से कुछ समय पहले मुझे स्मार्ट बिल्डिंग आने का मौका मिला था। आने से पहले कोई सोच नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, सिंगल था, स्टूडेंट थे, लेकिन दोस्तों स्मार्ट बिल्डिंग में आने के बाद बहुत सारा चीज़ सोच क्लियर हुआ। जब मुझे स्मार्ट बिल्डिंग मिला तो मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारा दिक्कत था, पैसे को लेकर के, एडमिशन को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, हम लोग तीन सिस्टर हैं, मम्मी है, पापा है, पापा किसानी काम करते हैं, कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है दोस्तों। लेकिन आज देखा जाए तो दिक्कत थोड़ा सा हुआ, किसी तरीके से पैसे का एडजस्टमेंट किए और देखा जाए दोस्तों एडमिशन किए। पैसे का एडजस्टमेंट की बात किया जाए दोस्तों तो मैंने इंटरेस्ट से पैसा लिया और कुछ पैसा मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया और जिसके वजह से मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद दोस्तों देखा जाए तो रोकने टोकने वाले बहुत सारे लोग मिले कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। लेकिन दोस्तों अपना डिसीजन लिए और अपना डिसीजन लेके एडमिशन किए। एडमिशन होने बाद दोस्तों क्या हुआ तो आज देखा जाए तो आज आने से पहले कोई औकात नहीं था, कोई सोच नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, कोई भी सपना नहीं था। लेकिन दोस्तों आने के बाद आज यहीं से देखा जाए तो मैंने क्या किया, तो आज यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले मैंने यहीं से 60 से 70 हजार रुपए का मोबाइल अचीवमेंट किया। और यहीं से देखा जाए दोस्तों तो मैंने लैपटॉप लिया। आज यहीं से देखा जाए नेक्स्ट की बात करें दोस्तों यहीं से स्कूटी हुआ। और अभी देखा है दोस्तों नेक्स्ट की बात किया जाए तो अपनी बड़ी सिस्टर का, आज मैं छोटी हूँ लेकिन अपने बड़ी सिस्टर का शादी की। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो अपने लाइफ का, आज जो देखा जाए तो अपने लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट कर रही हूँ दोस्तों, कर चुकी हूँ। अपने लाइफ का, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो कभी हम सपने में सोचा करते थे कि काश काश मेरे पास ये हो पाएगा कि नहीं। एक मूवी में देखते तो सोचते थे काश मेरे पास रहता तो कैसा होता। लेकिन आज दोस्तों मुझे खुशी होता है कि आज मैंने अपने खुद की कमाई का स्मार्ट व्हील की वजह से, आज देखा जाए तो मैंने टाटा का 8.5 लाख का कार मैंने अपने खुद की कमाई से ये कार मैंने अचीवमेंट किया। दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगी, अगर मैं एक किसान फैमिली से होकर के और अगर मैं जो भी लोग देख रहे हैं, जो लोग एडमिशन कर चुके हैं, आप लोग दिल लगा के काम करिए, किसी की बात मत सुनिए, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, किसी की बात मत सुनिए, बस आप अपलाइन का बात सुन के अच्छे से काम करिए, आने वाले लेटर में आपके पास भी कार होगा। अगर जो लोग एडमिशन नहीं किए हैं, आप लोग किसी का बात मत सुनिए, डिसीजन लीजिए अपना और एडमिशन करिए। एक बार प्रॉब्लम होगा लेकिन आने वाले डेट में आपका सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। मैं एक ही चीज बोलूंगी, जाइए और पैसा कंप्लीट करिए और एडमिशन करिए, बस यही चीज बोल के अपने बातों को क्लोज करती हूँ। बाकी देखा जाए तो आज ये सारा चीज अगर हो पाया तो मेरे खुद की वजह से नहीं हो पाया, आज मेरे बहुत सारे सीनियर लोग का सपोर्ट रहा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी तो पहले सबसे पहले उस इंसान को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जो इंसान मुझे इस सिस्टम में लाया। तो मैं चाहूंगी कि मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी मिस्टर संदीप भैया के लिए जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया। शायद अगर वो नहीं लाते तो शायद मैं इस जगह पे आज नहीं होती। अगर सेकंड की बात किया जाए तो मेरे बिग ब्रदर आज देखा जाए जिन्होंने हर पल मुझे सोचने समझने का जो डिसीजन दिया, जिन्होंने सही गलत का पहचान बताया और फर्क बताया कि नहीं ये सही है ये गलत है, जिन्होंने हर पल मुझे गाइड किया, वो कोई और नहीं अमित भैया के लिए जो अभी यहीं पे है। आज
अपलाइन का ही नहीं बल्कि अपलाइन के साथ साथ हमारे बहुत सारे गुरलाइन लोग का सपोर्ट रहा है। जैसे कि आज देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे मिस्टर कन्हैया जी का, जिनका आज मेरा आज देखा दिखा था गाने में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे उपेंद्र है, प्रिंस है, श्वेता है, और यहाँ पे देखा जाए तो करिश्मा, यहाँ पे सभी लोग मौजूद है। यहाँ पे गीतांजलि है, सोनम है, कुसुम है, दिलीप है, सनोज, लक्ष्मी, ऐसे करके सनाया, आरती, ऐसे बहुत सारे हमारे गुरलाइन है जिनका पूरा नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सारे अपने गुरलाइन को जो आज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ काम करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारे पास ये सारा चीज हो पाया। अभी देखा है बबलू है, कृष्णा है, दीपक है, प्रिया है, ऐसे बहुत सारे हमारे गुरलाइन है जिनका सपोर्ट रहा। मैं चाहूंगी हमारे सारे गुरलाइन के लिए थैंक यू होना चाहिए, धन्यवाद। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो है माँ का जो है, ये देख सकते हैं नीचे जमा की नींद कहाँ से पड़ी, ये देख सकते हैं जमा दीजिए एक बार जबरदस्त। एकदम गर्दा उड़ गया, देख सकते हैं पूरा सा मौसम क्यों भाई गर्दा उड़ेगा या धमाका होगा या।